नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देख रहे हैं हम. अ सॉलिड डिस्क, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है. अ सॉलिड डिस्क एंड अ रिंग, है ना, हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ना, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल टेबल, ओके, एंड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल टेबल वन सॉलिड डिस्क, ओके, और एक सॉलिड डिस्क और एक हमने रिंग को ऐसा घूमते हुए जो रोटेटिंग, ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं. बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल simultaneously with initial angular velocity 10 pi radian per second. So this omega naught initially is equal to 10 pi radian per second. ध्यान से समझना, घूमते हुए वो स्पीड में घूम रहा है और हमने टेबल पे रख दिया. ओके, which of two will start to roll earlier? दोनों में से पहले घूमना स्टार्ट, द प्योर रोलिंग कब परफॉर्म करेगा, है ना, जैसे हमने उस पर रखा वो स्लाइड करेगा उसके ऊपर, ठीक है, ऐसे देन आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम प्योर रोलिंग. ओके, तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये आगे की तरफ मूव क्यों करेगा. यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं हम, आगे की तरफ मूव इसलिए करेगा क्योंकि उस पर नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि जो रिंग है वो पीछे की तरफ, डिस्क रिंग या पीछे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा. रोल वो मूव तो आगे की तरफ करेगा पर सरफेस जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस रिंग का या फिर डिस्क का जो सरफेस है वो पीछे की तरफ है. दैट्स व्हाई इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, द लीनियर एक्सेलरेशन. ओके, तो अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, लीनियर मोशन की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से हमको समझना है, अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे तो एफ जो है इज इक्वल टू एम ए. पर अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन के कारण ही वो घूमना स्टार्ट करेगा. तो फ्रिक्शन इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha. तो यहाँ से हमको alpha पता चल जाएगा, alpha is equal to F into R divided by I. यहाँ से हमको angular acceleration पता चला, पर ये angular acceleration negative होना चाहिए क्योंकि retarding है. ये इसकी omega speed को क्या करेगा? Decrease करेगा. इसकी speed को क्या करेगा? Decrease करेगा. ये इस तरफ alpha लगेगा, इसकी speed को decrease करेगा, rolling speed को decrease करेगा, पर translatory speed को बढ़ाएगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा. ओके, सो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर लीनियर मोशन इट बिहेव लाइक एक्सेलरेशन एंड फॉर रोटेशनल मोशन इट बिहेव लाइक रिटार्डेशन. ओके, सो यू कैन राइट दिस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, पर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. एफ इक्वल टू एम ए, सो ए इक्वल टू एफ बाई एम. ओके, तो यहां से हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एक, ठीक है. अब अगर हम यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.2. सबसे पहले हम यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी आर डिवाइडेड बाई, हम इसे लिख सकते हैं, इसे तो आई ही लिखा रहने दो, है ना, तो दैट इज अल्फा, सेम एज इट इज म्यू इंटू एम जी डिवाइडेड बाय एम, एम विल कैंसिल आउट, सो इट इज म्यू इंटू जी. ओके, एंड दिस यू इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू इक्वल टू जीरो, सो वी इक्वल टू ए टी, मतलब म्यू जी इंटू टी, वी इक्वल टू, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. ओके, एंड दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. ओके, नाउ यू कैन पुट वैल्यू ऑफ दिस अल्फा ऑल्सो, सो दिस ओमेगा नॉट माइनस म्यू एम जी इंटू आर डिवाइडेड बाई I into time t. Okay,
Now, for pure rolling, okay, for pure rolling, अगर हम pure rolling की बात करें, तो there is relation between translatory velocity and angular velocity, which is equal to V is equal to omega r. V is equal to omega r. So this V is equal to mu g t. Okay, and this omega is equal to, what is omega? Omega is equal to this omega naught minus mu m g r into divided by I into t into r. R का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से टाइम निकालेंगे t, तो mu g plus इस t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ r का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा mu m g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय I, ओके, और t हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r. तो यहाँ से अगर हम t फाइंड करें, तो दिस t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय म्यू g, ओके, प्लस म्यू m g इंटू r स्क्वायर बाय I स्क्वायर, ओके, ओके. तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम हमको पता चला, है ना, हमको कंपेयर करना है रिंग के लिए और डिस्क के लिए कंपेयर करना है. तो अगर हम रिंग की बात करें, तो I का वैल्यू होगा एम आर स्क्वायर, तो टाइम हो जाएगा ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय म्यू g प्लस म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमको मिलेगा ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय टू टाइम्स म्यू जी, ओके. पर अगर हम डिस्क की बात करें, है ना, तो डिस्क के लिए I का वैल्यू कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, जो उसका एक्सिस है उसके अबाउट. तो हम टाइम की बात करेंगे तो कितना होगा, ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय म्यू g प्लस म्यू m r स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर बाई टू. सो दिस m r स्क्वायर टेन विल कैंसल आउट, यहाँ पर इस टू का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेट थ्री हो जाएगा ये. सो म्यू नॉट, सॉरी, ओमेगा नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय थ्री म्यू जी, है ना. अच्छा, एक बात बताइए कि टाइम का डिवाइड किया यहाँ टू से, यहाँ थ्री से, तो कौन सा टाइम छोटा होगा, डिस्क के लिए कि रिंग के लिए? इसको हम टी आर लिख देते हैं, इसको टी डी लिख देते हैं, बट ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रिंग के लिए टाइम छोटा होगा, डिस्क के लिए टाइम छोटा होगा, टी डी इज लेस देन टी आर. तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि डिस्क जो है वो जल्दी रोलिंग स्टार्ट करेगी.